discovery of proton. The existence of protons in the atoms was shown by electrical voltage is applied
average electrical voltage is applied to hydrogen gas, the electrical energy removes the electrons from the hydrogen atoms. After removal of negatively charged electron from a hydrogen atom, a positively charged particle called proton is formed. A positively charged particle called proton is formed. Positively charged particle called proton is formed. Thus, proton is a positively charged particle found in the atoms of all the elements. टेस्ट ट्यूब में केवल इतना ही होल छोड़ रखा है जितने में इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास हो सके और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर रखी है। तो क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इन द एटम्स वाज शोन बाय गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन साइंटिस्ट का नाम था, उसने इसको बताया था कि प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करते हैं एटम में। व्हेन ही पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, द स्ट्रीम्स ऑफ हैवी पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो उसने ये कहा कि जब एक गैस को बहुत लो प्रेशर पर ले लिया गया किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज पर पास करा गया उसके अंदर से, तो उसने देखा ये काफ़ी हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो हैवी पार्टिकल्स एनोड में से निकल कर आ रहे हैं। तो जो एनोड होता है ना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में से अगर कोई चीज़ निकल कर आ रही है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही चार्ज होगा, ठीक है। तो गोल्डस्टीन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन्स एज फॉलोज, हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स,
हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस के अंदर हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। व्हेन हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज अप्लाइड टू हाइड्रोजन गैस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिमूव्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम्स। व्हेन हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज अप्लाइड टू हाइड्रोजन गैस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिमूव्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम्स। ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रिसिटी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो जब हमने हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई है हाइड्रोजन को, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। आप जैसे कोई मैकेनिकल पार्ट कहीं मूव होता है ना किसी चीज़ में, तो हम ये कहते हैं कि वो जो चीज़ है वो मैकेनिकल थिंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई हैंड फैन है, हाथ का पंखा है, उसको हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो मैकेनिकली मतलब हमारी जो बॉडी है इट बिहेव्स लाइक अ मशीन, तो मैकेनिकली हम उसको घुमा रहे हैं, तो वो मैकेनिकल जो टर्म है वो वहाँ से आई है। सिमिलरली जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जहाँ पर भी मोशन होगा उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, मशीन से रिलेटेड जहाँ पर भी मोशन होता है उसको हम मैकेनिक बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक है वो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है तभी करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, हमने करंट का फ्लो करवाया। तो करंट का जब फ्लो करवाया तो करंट को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को ही वो मीडियम बनाता है। तो जो इसका एक बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास, वो एक इलेक्ट्रॉन भी गया, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब क्या होता है, आफ्टर रिमूवल ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी वन ही होता है, तो हाइड्रोजन के पास बस एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन इज फॉर्म्ड। तो वहाँ पर हमने देखा कि केवल एक चीज़ बची है, और वो जो पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि वो पार्टिकल देखा गया कि एनोड में से निकला है, और एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो उसने कहा कि भाई ये तो पॉजिटिव टर्मिनल में से निकलने वाला है, ठीक है। हमने क्या बोला, ये एक हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूँ, और हाइड्रोजन गैस के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, बहुत सारे होंगे एटम्स, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि एक चेयर है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, तो उसके अंदर प्लास्टिक के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, बहुत सारे, इनफाइनाइट होंगे। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस के अंदर हाइड्रोजन एटम्स बहुत सारे होंगे, तो जितने एटम्स उतने ही प्रोटॉन, क्योंकि एक ही प्रोटॉन होता है उसमें और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो उन्होंने कहा कि जब हमने करंट पास कराया तो करंट पास कराने से हुआ क्या कि जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो तो सारे रिमूव हो गए, वो तो सब करंट के फ्लो में लग गए। अब जो बचा हाइड्रोजन में वो क्या बचा, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा, और पॉजिटिव चार्ज को ही हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो इस तरह से उसने ये बता दिया कि दस प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फाउंड इन द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। उसने एक्सपेरिमेंट के तौर पर हाइड्रोजन को लिया, फिर फर्दर क्या हुआ, फिर और भी गैसेस को लेकर उन पर भी एक्सपेरिमेंट करा गया, और ये देखा गया कि सब में प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस है। तो दिस इज हाउ प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ये प्रोटॉन का हुआ। अब जैसे प्रोटॉन आता है तो प्रोटॉन के बाद में फिर आया न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की जो एग्जिस्टेंस है, न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस बड़े अलग तरीके से प्रूव करी गई थी, उसमें डिस्चार्ज ट्यूब की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया इलेक्ट्रॉन में भी प्रोटॉन में भी, लेकिन न्यूट्रॉन में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिएगा कैसे, पहले यहाँ पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लिख देते हैं। वो इट सेम डिस्चार्ज ट्यूब बना दी, जैसे इलेक्ट्रॉन वाले थे ना उसमें हमने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी, वही डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ पर बनाया। मास ऑफ प्रोटॉन
charge of a proton is equal and opposite to the charge of an electron. Discovery of neutron. Discovery of neutron. तो इसमें first point लिखिएगा. After the discovery of protons and electrons. Discovery of protons after the discovery of protons and electrons it was noticed that all the mass of an atom on the basis of only protons and electrons present in it. For example, next point is the second example. For example, a carbon atom contains 6 protons and 6 electrons. A carbon atom contains 6 electrons and 6 protons. Now the mass of electrons is so small that it can be ignored.
mass of electrons is so small that it can be ignored. So the atomic mass of carbon should be only 6U. Six protons. जैसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी होने के बाद में ये नोटिस करा गया कि भाई हमने ये देखा कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, एटम से छोटा कुछ नहीं होता। फिर डिस्कवरी कर दी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो ये लगा कि अरे भाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एटम का इतना मास आ रहा है। फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो पता चला प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेगलेक्ट किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो ना के बराबर होता है अगर प्रोटॉन से कंपेयर करा जाए तो, ठीक है ना भाई। अर्थ के सामने चींटी का मास क्या, कुछ भी नहीं है, या हाथी के सामने चींटी का मास क्या, कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से जब हमने प्रोटॉन की बात करी तो प्रोटॉन के सामने इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, दैट इट कैन बी नेगलेक्टेड। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं फिर उतना ही मास होना चाहिए था उसका। हमने ये कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने प्रोटॉन्स हैं उतना ही मास होना चाहिए किसी भी एटम का, जितने प्रोटॉन हैं जितने इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए 6 प्रोटॉन्स हैं तो हमने बोला 6 एटॉमिक मास यूनिट, है ना, 6 एटॉमिक मास यूनिट, उसको यू बोल देते हैं सिंपली। तो ये देखा गया कि जब कार्बन है तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं 6 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास इतना छोटा होता है कि उसको नेगलेक्ट कर दो कि भाई इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सो स्मॉल दैट इट कैन बी इग्नोर्ड, उसको इग्नोर किया जा सकता है। सो द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन शुड बी ओनली 6U, विच इज द मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो एटॉमिक मास जो है कार्बन का वो 6U होना चाहिए। क्या एटॉमिक मास 6U होता है कार्बन का? एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? लास्ट चैप्टर में करा था, टेबल भी बनवाई थी, 12 होता है, ठीक है। तो ये है कि भाई फिर ये बाकी का 6 कहाँ से आया, है ना। तो इसी को बेसिस बनाया शेडविक ने, जिसने इसके बारे में बताया था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, उसने इसी को बेस बनाया। उसने कहा कि वो जो बचा हुआ 6 है ना वो न्यूट्रॉन का मास है। हमने कहा न्यूट्रॉन, अरे भाई पॉजिटिव तो हो गया नेगेटिव हो गया, अब कौन सा चार्ज बचा है? तो ये कहा गया कि भाई पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया तो अब बस एक ही चार्ज बचता है, कि चार्ज कुछ है ही नहीं, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसने बताई। हाँ जी, नोट कर लिया ऑनलाइन वाले बच्चे, बताएं यहाँ तक नोट कर लिया सबने? प्रियांशी, तन्वी, रिमशा बताइए। ठीक है, तो उसके बाद this however is wrong, next point लिखेंगे, this
This, however, is wrong because the actual atomic mass of carbon some atomic particle called neutron. It was discovered by James Chadwick and its symbol is small m. So small m is the symbol of of a neutron.
हाइड्रोजन भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली कोई चार्ज भी माना जाता है हाइड्रोजन गैस का, नहीं न्यूट्रॉन की वजह से नहीं। हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन के बारे में एक्चुअली कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया, बुक में भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। और हाइड्रोजन को इसी वजह से सबसे ऊपर वाली उस पर रख दिया गया है, पीरियोडिक टेबल में भी पहली पोजीशन पर रखा गया है, और 11th की बुक में, 12th की बुक में, फ्यूचर में कहीं तक भी आप जाएंगे तो हाइड्रोजन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, उस पर आज भी रिसर्च चल रहा है। देखो एटॉमिक मास जो है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 माना जाता है। अब क्या है ना कि हाइड्रोजन का ये जो अजीब सा बिहेवियर है, ये अजीब सा बिहेवियर क्यों है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये एटम मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर उसको पॉजिटिव साइन से डिनोट कर देते हैं, न्यूक्लियस को सर्कल बनाकर पॉजिटिव से डिनोट कर देते हैं। हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एक प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो भी एक, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें होता ही नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि भाई शेडविक की थ्योरी हर जगह एप्लीकेबल है, कि सबके अंदर न्यूट्रॉन मिलेंगे लेकिन हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम है हाइड्रोजन की, इस वजह से पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन को आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया और वैसे भी नहीं। अब हम बात करते हैं वाटर की, है ना, कि वाटर का एटॉमिक मास क्या होता है। दो मिनट रुक जाओ, अभी समझ जाओगे आप भी और आप। दो मिनट यहाँ पर लिखिएगा, एक लाइन लिखे, वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन why the atomic mass of carbon is 12 GeV. ठीक है, तो हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम एटॉमिक मास उसका कार्बन का 12 GeV क्यों है ना, वो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स। देखा प्रोटॉन का एक का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 U होता है, तो 6 प्रोटॉन्स है तो उसका कितना हो जाएगा, 6 × 1 यानी कि 6 U। सिमिलरली एक न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास वो भी 1 U होता है, तो 6 न्यूट्रॉन्स का कितना हो जाएगा, 6 × 1। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बात करते हैं वाटर की, जो आप पूछ रहे थे। यहाँ तक ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी किसी का हमको एटॉमिक मास निकालना है तो हमें क्या करना है। देखिए प्रोटॉन्स जो है ना, प्रोटॉन्स का एटॉमिक मास जो है वो कितना होता है, 1 U होता है एक प्रोटॉन का। एक न्यूट्रॉन का भी जो एटॉमिक मास यूनिट है, जो एटॉमिक मास है वो 1 U है एक प्रोटॉन का। तो वो 1 1 करना क्या सीधी सीधी बात है ना, कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतना ही उसका मास हो गया, जितने न्यूट्रॉन है उतना ही उसका मास हो गया। भाई 6 प्रोटॉन थे तो मास कितना हो गया, 6 U हो गया, है ना, और 6 न्यूट्रॉन थे तो मास कितना हो गया, 6 U हो गया। तो इसलिए ये कह दिया जाता है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बस सीधा सीधा ये बोल दिया जाता है। तो अब अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में
ये क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, जीरो, और प्रोटॉन कितने होते हैं, एक। तो प्रोटॉन का कैसे पता चलता है कि कितने हैं और कितने नहीं, कैसे पता चलता है? जो भी एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही हैं उसके, ठीक है। और जब तक वो इलेक्ट्रॉन दे ना दे या इलेक्ट्रॉन ले ना ले, यानी कि डोनेट ना कर दे या एक्सेप्ट ना कर दे, तब तक क्या है, तब तक उसका मास जो है, मतलब तब तक उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर, हमने एक सीरीज याद करी थी ना, हा ही ली वे वर कट ऑफ करा था ना, वो सब लाइन से याद करा था। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमने वन करा था, क्योंकि सबसे पहले हाइड्रोजन ही आया था। तो इसका मतलब हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स भी वन ही हैं, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स भी वन है, अंतर अनलेस वो कुछ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या एक्सेप्टेंस ना कर ले। और हर एलिमेंट में यही लागू होता है। तो जब मेरे को एटॉमिक मास निकालना होता है तो मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि हाइड्रोजन का अजीब बिहेवियर क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है उस भाई से आपके पास न्यूट्रॉन ही नहीं है, समझ गए। अब जैसे वाटर की बात करी, तो वाटर में क्या होगा, वाटर है H2O, इसमें हाइड्रोजन के दो एटम हैं, हाइड्रोजन का सिंगल एटम का मास होता है 1.2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। और जो एटॉमिक मास है वो लगभग लगभग ज़्यादातर एलिमेंट्स का, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ज़्यादातर एलिमेंट्स का दुगना ही होता है। क्यों, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने न्यूट्रॉन्स होंगे उसके अंदर, और जब उसका एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर प्रोटॉन 8 ही है। जब प्रोटॉन 8 है तो भाई न्यूट्रॉन भी 8 है, तो 8 + 8 = 16 है, ठीक है। ऑक्सीजन का क्योंकि एक ही एटम है तो 16 में मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं करा, हाइड्रोजन के दो एटम थे तो हाइड्रोजन का मास 1 था तो उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 18 आ गया, समझ गए, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए जी, इसके बाद सबसे पहले देखेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अब एटम के बारे में, ये तो हो गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इनकी डिस्कवरी, ये स्पेशली सिलेबस में मेंशन है, तो ये आपको लर्न करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई, न्यूट्रॉन की कैसे हुई, तीनों में से कोई एक चीज़ पूछ ली जाती है एग्जाम। उसके बाद फिर एटम के अलग अलग मॉडल्स, मॉडल्स का मतलब क्या है कि किसी ने तो समझाया कि एटम ऐसा है, किसी ने समझाया नहीं एटम वैसा है, तो सब अलग अलग तरीके से बता रहे थे। अब जैसे हमने अभी तक जो पढ़ा है, आज भी जो सब जगह चल रहा है वो यही है, किसी भी बुक में हम उठा कर देंगे कि जो एटम है उसमें न्यूक्लियस बीचों बीच होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स बने रहते हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो आज हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन जब शुरुआत हुई थी केमिस्ट्री की तब सबसे पहले थॉमसन नाम का साइंटिस्ट था, तो उसने ये एक्सप्लेन करा कि ऐसा नहीं होता, एटम जो है एटम एक स्फेरिकल बॉल है, पूरा का पूरा एटम एक स्फेरिकल बॉल है, और वो जो स्फेरिकल बॉल है वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। उस पॉजिटिवली चार्ज में जैसे एक मतलब पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग लगाते चले जाते हैं, तो ऐसे ही ना टॉपिंग की तरह वो लगा रखा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जगह 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 उस पर फिक्स कर रखा है ऊपर। तो जो आज की थ्योरी है, आज की थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल गलत है, आज की थ्योरी तो कहती है कि नहीं भैया वो फिक्स थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो बार बार रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो थॉमसन ने ये एक्सप्लेन करा था, मैं नोट करवा रहा हूँ उसको, हेडिंग डालिएगा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम।
sphere or ball of positive charge with negatively charged electrons embedded in it. It has no overall positive or negative charge. थॉमसन ने क्या बताया? थॉमसन ने बताया एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर और बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो एटम के ऊपर एटम जो है वो पूरा का पूरा एक स्फीयर की तरह, जैसे कि एक बॉल होती है, वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर फिक्स कर रखे हैं, एम्बेडेड कर रखे हैं, चिपका रखे हैं। और जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं इन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्जेस जो है वो 50 हैं तो नेगेटिव चार्जेस भी 50 ही हैं। तो 50 हो गए पॉजिटिव चार्ज, 50 हो गए नेगेटिव चार्ज, तो सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे प्लस टू माइनस टू को कैंसिल आउट करता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बन गया, चार्ज ओवरऑल क्या बन गया, जीरो बन गया। तो ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट हैज नो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसका ओवरऑल कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो ये दो ही उसने उसमें कंडीशंस बताई थी अपने मॉडल में थॉमसन। उसके बाद फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज इतना ही करते हैं।